जानते ही हैं आज मेरा लास्ट डे है, मैं गाँव आई हुई थी तो हम लोग आज निकल रहे हैं। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को हमारा घर, ये देखिए। ये मेरा लास्ट, यहाँ पे हमारा सामान रखा हुआ है, मेरे को 4-5 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए, अब हम लोग निकल रहे हैं। मैं दिखाती हूँ अपना घर, ये हम लोगों की पैकिंग हो चुकी है, देखो सब बैठे हुए। चलिए हम लोग पास में चलते हैं, मैं खेत में दिखाती हूँ आप लोगों को। पास से दिखाती हूँ, आलू आलू की खेती हो रखी है यहाँ से, तो मैं उस साइड जाती हूँ क्योंकि यहाँ पे ये बंद कर रखे लोगों ने। यहाँ दिक्कत हो रही है बहुत, क्योंकि ये ऐसा है कांटेदार है। अरे यार मैं उधर नहीं जा रही हूँ, मदद करो मेरी, इधर आ जाओ थोड़ा सा। ये जल्दी आओ, मेरे को उस साइड जाना है यार, मदद करो थोड़ी सी, मैं जा नहीं पा रही थी तो इनको बुलाया मैंने। दबा के रखो क्योंकि मैंने कुछ कपड़े भी ऐसे पहने। पास से दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। मेरे कपड़े फंस गए, छुड़ाओ। ये देखिए आलू के पेड़ हैं, आलू आ रखी है इसमें, नीचे जमीन में आती आलू। ये मूली मूली लगी हुई है, आप लोग देख सकते हैं, मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको एक मूली। ये देखिए, और यहाँ पे सोया भी बोया हुआ है, मैं दिखाती हूँ। गेरा ये सोया बोया हुआ है, और इधर लहसुन बोया हुआ है थोड़ा सा। और ला मूली बोलो, मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ से जाते हुए, क्योंकि यहाँ आके काफ़ी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। हम लोग यहाँ से निकलेंगे और फिर हमारी ट्रेन है 1 बजे की आलू के लिए। देखिए ऐसे खेती करनी होती है, ये देख सकते हैं आप लोग। क्या चीज है, आरफ आपके दोस्त हैं ये, अब ये भूल जाएंगे जब तक आप आओगे, तब तक तो बड़े हो जाओगे। चले हम लोग रोशनी, अब जल्दी आओ मम्मी। रोशनी फोन, नरगिस फोन था अपने, उनका उनके 1-3 बराबर है। मैं बताती हूँ इनको, ये पूछ रहे हैं अगर मैं बड़ा होके यहाँ, हम सोरो गांव के भाषा में बोलना पड़ेगा, मैं तो वैसे बोल, ये पूछ रहे हैं जब हम बड़े हो जाइबे यहाँ आईबे तो तुम उनका पहचान ले आओ। हाँ बताओ क्या नाम है उनका, इरफान बताओ। हमारे भैया के इरफान से ज्यादा लगा हुआ है। वो सबके टीम के दोस्त ही कहेंगे। चले हम लोग चलते हैं ना फिर, तब तक मूंगफली खा लो, ले लो। बोलोगे तो नहीं, ये अरब के दोस्त हैं सर, देखो आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा है, सैड फील हो रहा है क्योंकि अब इन लोगों को छोड़, नहीं मैं उधर गांव गई थी ना तो उन लोगों ने पकड़ा दी। हिंदू लोग इस पीपल को बहुत मानते हैं, पूजा वूजा करते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, ये हमारा घर है, बाहर से ऐसा दिख रहा है, देखो बिल्कुल अलग बना हुआ है। वीडियो
नील गए। यहाँ पे क्या, इस मंदिर का क्या नाम है, इस वाले मंदिर का क्या नाम है, नमक वाले बाबा का मंदिर। हाँ जी गाइस, ये देखिए सुंदरदास बाबा के नाम से स्वर्ग। अच्छा जी, देख सकते हैं आप लोग, और यहाँ पे एक ग्राउंड है, बच्चे खेल रहे हैं। और ये नल सामने देख पा रहे होंगे आप लोगों, नल बहुत पुराना है हमारे। मुझे यहाँ पर आकर अपने पापा की बहुत याद आती है, क्योंकि हम लोग जब पहले कभी आते थे तो मैं अपने पापा के साथ यहाँ पे रुकती थी और पानी पीती थी, टाइम स्पेंड करते थे हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत। पर अभी पापा नहीं है तो मम्मी पीछे रह गई हैं, हम लोग थोड़ा टाइम बिता रहे हैं यहाँ पे, लोगों को दिखाती हूँ। आज भी यहाँ पे बच्चे कितने मस्ती से खेल रहे हैं सारे। गाइस हम लोग बैठ चुके हैं ट्रेन में, ये देख सकते हैं आप। वो भी हमारा बाहर से, मैं ट्रेन में बैठी हुई हूँ, ये हम बाहर से दिखा सकते हैं। ये और सारे बैठ चुके हैं हमारे के अलावा। कितने छोटे छोटे बच्चे बैठे, देखते लो सच्ची में बैठे, देखो ये देखो, वो देखो आ गया, आ गया। अच्छा कोई रोटी दे रहा तो खा रहे हो, देखो देखो ओहो। बंदर राजा, देखा कैच कितना अच्छा था उसका, बहुत तरीके। स्टार्ट हो गई गाड़ी, अब चलेंगे हम लोग। ऐसा लगा ट्रेन पीछे जाइयो, आगे आप उल्टा बैठो। अच्छा ट्रेन का मुंह इधर को है, अरे यार मेरे को लगा उधर को है मुंह। ठीक है फिर चल पड़ी है गाड़ी, अब हम लोग निकल लिए। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ स्टेशन, देखा ये भी सुविधा है, सारी सुविधा होती है। ट्रेन का सफ़र करना बहुत मज़ेदार होता है भाई, बस से तो हाँ बाहर निकल चुकी है गाड़ी। Thank you.
पता नहीं कहाँ पे है, कहाँ है, काफी बड़ा है गाँव ना, मुझे लगा सब खत्म हो, स्टेशन पार हो गया मतलब गाँव खत्म। जंगल स्टार्ट हो गया, पागल बच्चे भी रहते हैं। इतना बड़ा है ये, देखो पानी देख रहे कितनी तेज बह रहा है, काफी नीचे है घर वरना, देखो बकरी को छत पे चढ़ा रखा है, कब्रिस्तान है, कोई कब्रिस्तान है वो, फ्लोटिंग हो रखी इधर तो। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी।